ओके, चलो आइए अधिक देर ना करके अब शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि अभी एक साथ आप सभी दीप आराधना करेंगे, अपने दीपक लगा लेंगे तो सबसे श्रेष्ठ होगा। अगर आप एक साथ नहीं लगा सकते, अगर आप लोग कहेंगे तो स्क्रीन शेयर पर भी शांति स्तोत्र रख सकते हैं, पर सबसे बेटर ये है कि फिर सब लोगों का दर्शन नहीं होगा, सब लोगों की भगवान के और दीपक के। एक-एक दीपक को स्वाहा के साथ चढ़ाना है। शांतिष्टक स्तोत्र जो नित्य अपन जिससे हीलिंग करते हैं उसी को संस्कृत में और हिंदी में पढ़ेंगे। आइए भगवान के दर्शन से स्टार्ट करते हैं। भगवान की साइड में सरस्वती माँ है। भगवान की कौन सी साइड कहलाएगी ये? राइट साइड। और आचार्य शांति सागर महाराज जी गुरु विराजित है। ठीक है, अभी आप सब जहां पर भी आप अपना अनुष्ठान विधान कर रहे हो आप वहां का अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये थाली में पूरे दीपक तैयार है आप सबको जैसे दिख रहा है, तो अभी प्रगटाना, एक प्रगटाओ एक के बाद एक। अगर आपके साथ कोई है नहीं व्यवस्था में, जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ है, तो आप एक साथ भी प्रगटा सकते हो, नहीं तो बारी बारी से प्रगटाते जाना। और कोई भी एक थाली ले लो, जैसे कि एक थाली है बड़ी सी चांदी की थाली में परिक्रमा की दिशा में एक एक चढ़ाते जाएंगे, तो आप ऐसे खंड बना सकते हो 8 खंड, जिससे आपका सुव्यवस्थित रूप में दीपक उसमें आए। कमल लिया आपने, जितने भी लोग कर रहे हैं अब अपन शुरू करेंगे, अपन स्वयं ही पढ़ेंगे। आप लोग को गुरु में वृत्ति प्राप्त हुई है, अभी आपकी जो भी मनोकामना है, मतलब जो भी आप चाहते हो, देखो एक तो यह ऊर्जा अपन यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स में जहां भी जिसको भी विशेष जरूरत है उनको समर्पित करते हैं, साथ में अपना विशुद्धि आध्यात्मिक उन्नति हो ये भावना रखते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसको मन में ध्यान कर लीजिए, और बस भगवान की भक्ति। और कमल भैया आप बारी बारी से और लोगों को ये करना स्पॉटलाइट, जो लोग कर रहे हैं साथ में सबको ही कर सकते। कमल भैया आप है क्या, सुना? जी, स्पॉटलाइट करेंगे सबको। हाँ ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर पर आप वो प्रति कर सकते हो शेयर अभी। चलो आप सबके पास है अभी एक दिया प्रगटा लो और शुरू करते हैं शांतिष्टक स्तोत्र। ये जो आप दूसरे डिवाइस में या तो प्रिंट आउट निकालिए तो प्रिंट आउट उसको खोल लो। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, शांतिष्टक स्तोत्र की जय, आचार्य पूज्य पाद स्वामी की जय, तीन कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। ये जो हिंदी पद्य अनुवाद है वह जिनवाणी पुत्र श्रील ध्यान सागर महाराज ने किया है, तो अपन हिंदी भी पढ़ेंगे जिससे अपन उस अर्थ को समझ पाए। चलो सर्वप्रथम
स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयन्ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय संसार भो रानव अत्यंत स्फुर दुःख व्यापेण भू मंडलो ग्रीष्मकारयतीन्दु पाद सनिव छायानुराग रवि। आपके सामने भी जो भगवान है वो शांतिनाथ भगवान है। हिंदी, नहीं स्नेहवश प्रभु चरणों की शरण ग्रहण करते प्राणी कारण उसका भव समुद्र का दुख भरा खारा पानी भगवान जेठ माह का सूरज किरणों में जब आग धरी ग्रीष्म तप्त जन चंद्र किरण जल छाया से अनुराग करे जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी त्रिभुवन नामी जग नामी ओम रीम सर्व शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय शरण गुच्छरण युगलाय मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान ज्योति प्राप्ताय। दीपक से अपन क्या मांगते हैं, जिससे आज अपने ज्ञान की ज्योति प्रकट हो। आज वसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती का दिन, तो अपन यही भावना भाते हैं कि ज्ञान की, केवल ज्ञान की ज्योति भी एक दिन प्रकट हो और मोहांधकार का नष्ट हो। यही भावना के साथ ओम रीम श्री सर्व शांति कराय श्री शांति जिनेन्द्राय शरण गुरु चरण युगलाय मोहन का विनाशनाय दीपम निरुपमामि स्वाहा। और कमल भैया जो भी कर रहे हैं उनको स्पॉटलाइट करते जाओ। वृद्धा श्री विषदष्ट दुर्जय विषय ज्वालावली विक्रमो विद्या भेषज मंत्र तो यह हवने याति प्रशांति यथा तद्वती चरणानां विघ्नहाय विनायकास्य सहसा शम्यत्य हो विस्मय विश्व विषयता विषदस्ते फैले तन्मे किन्तु तले जो भवन मंत्र जन विद्या औसर से क्षण में अरे त्यों ही तव पद पंकज की स्तुति करने की शुभ अभिलाषा हरे व्याधिया हर ले बाधा आशा बिना बिना भाषा जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ शांतिनाथ स्वामी जय नामी जय नामी ओम रीम सर्व विघ्न रोग हराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय शरणभूत चरण युगलाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर स्त्री स्पर्धि गौरद्युते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणा पीडा प्रयान्ति क्षयम् उद्यद् भास्कर विस्फुरत करिषत व्याघात निष्काष्ठिता नाना देहि विलोचन शीघ्रं मंदर गिरी से सुंदर प्रभु तव चरणों में जो नमन करे उनकी सारी पीड़ाओं को शीघ्रतया वह नमन हरे निशा भले जग की आंखों में अंधकार फैलाती है उगते हुए को कल में दूर भगाती है जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी।
जय शांतिनाथ स्वामी त्रिभुवन नामी जगनामी, ओम रीम सर्व पीड़ा क्षय कराये श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय शरण भुज चरण युगलाय मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामी ति स्वाहा। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंतरौद्रात्मकान् नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण को वा प्रश्फलति केन विधिना कालो कृतावानलान् न स्याचि तव पाद पद्म युगलस्तुत्यापगा वारणां त्रिविध सैकड़ो भवांतरो में काल दवानल सर्वजयी चक्र चक्र धर धरणेन्द्रो का विध्वंसक विध्वंसमयी। उस निर्दय से इस भवन में कोई कैसे बच पाता तव पद पंकज की स्तुति सरिता अगर नहीं होती त्राता। जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी त्रिभुवन नामी जगनामी। ओम रीम कालुग्र दावानल वारणाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय शरण भुज चरण युगलाय मोहांकार विनाशनाय केवल ज्योति प्रकटाय दीपम निर्वपामी ते स्वाहा। इतने सुंदर सुंदर अर्थ भी अपन समझते जा रहे हैं कि सैकड़ों भवांतरों में काल को कोई नहीं जीत पाया, चाहे वह शक्र यानी इंद्र हो, चक्रधर हो, चक्रवर्ती हो कि धनेन्द्र हो, काल ने सबको सबका विध्वंस कर लिया। मतलब काल सबको उठा के ले गया। ऐसे निर्दय काल में अगर कोई बचा पाता है तो हे भगवान सिर्फ आपके चरण कमल की स्तुति ही बचा पाती है। आप समझ पा रहे हो, हिंदी में बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है अपन जिसकी भक्ति जो स्तुति पढ़ रहे हैं उसकी। 5वें नंबर का काव्य सभी लोग खोल के साथ में पढ़े या सिर्फ सुने। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानेक मूर्ति विभो नाना रत्न पिन त्वदंड रुचिर श्वेतात पत्र त्रय त्वत्पादत्वय पूत गीत रवत श्री ग्रंद्रवंत्या मया दर्पात मात मृगेन्द्र भीम निनदा वन्याय था गुंजरा। अखिल विश्व में व्याप्त ज्ञानमय अद्वितीय मूरत प्यारी नाना रत्न जड़ित दंडे से सुंदर तीन छत्र धारी तव चरणों की स्तुति के स्वर से रोग शीघ्र प्रस्थान करे ज्यो दहाड़ सुन बबर शीर की हाथी दूर प्रयाण करे। जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी त्रिभुवन नामी जगनामी। ओम रीम सर्वामय द्रावकाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय शरण भुज चरण युगलाय मोहांकार विनाशनाय केवल ज्योति प्रकटाय दीपम निर्वपामी ति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्री मेरु चूड़ामणे भास्वद्वाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ठ अव्यापादम चिंत्य सारमतुलम जनकोपमन शाश्वतम सौख्यन्व चरणारविंद युगलस्तुत्येव संप्राप्यते। इंद्राणी प्रिय शिखर के प्रभु अव्यापादम चिंत्य सार युत
अनुपम विनाशी, सुख पाता तव पद कमलों की, संस्तुति का जो अभ्यासी। जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, त्रिभुवन नामी जगनामी। ओम रीम अव्यबाध सौख्य प्रदाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, शरण पुचरण युगलाय, मोहानकार विनाशनाय, केवल ज्ञान प्रकटाय, दीपम निर्वपामीति स्वाहा। मतलब भगवान की चरणों की स्तुति से कैसा सुख प्राप्त होता है, तो अव्याबाध यानी कि बाधा रहित, अचिंत्य, सारयुत, अतुलित, अनुपम, अविनाशी, मतलब वो सुख फिर अनंत होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। वैसे शाश्वत सुख प्रभु की चरणों की भक्ति से प्राप्त होता। 7वें नंबर का श्लोक, 7वां दीपक। या वन्नो दैते प्रभा परिकरह, श्री भास्करो भासयंस, तावत् धारयति ह पंकजवनम, निद्राति भार श्रमम, यावत् पच्चरण द्वय श्री भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस्, तावत् जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापम महन्। प्रखर प्रभा का पुंज प्रभाकर, जब तक प्रगटन होता है, कमल वृंद तब तक धरती पर भार नींद का ओढ़ोता है, त्यों ही तव चरणों का जब तक प्रकट प्रसाद न होता है, जीव समूह अधिकतर तब तक मिथ्या दम को ढोता है। जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, त्रिभुवन नामी जगनामी, घट घट के अंतर्गामी। ओम रे पाप तिमिर भार हराय, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, शरण बुचरण युगलाय, मोहानकार विनाशनाय, केवल ज्योति प्रकटाय, केवल ज्ञान ज्योति प्रकटाय, दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कहते हैं कि जब तक भगवान की चरणों का दर्शन नहीं होता, तब तक इस जीव को मिथ्यात्व के घने अंधकार में यह जीव डूबा रहता है। और दृष्टांत प्रकृति का बताया है कि जैसे जब तक सूरज की पहली किरण कमल पे नहीं पड़ती, तब तक कमल का फूल आपने देखा होगा पूरा झुका हुआ ढला हुआ होता है, जैसे वो भार नींद में ग्रसित है, पर सूरज की एक किरण उसको खिला देती है। वैसे ही भगवान की चरण जीवों के अनंत भव के जो मिथ्यात्व है, उन सारे मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक्त्व के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। अंतिम काव्य सबका 8वां दीपक, जो भी आपके मन में कामना है या अद्भुत शांति की प्राप्ति के लिए भगवान को याद करते हुए चढ़ाएंगे। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनस, त्वत्पाद पद्माश्रयात्, संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहवः, शान्त्यर्थिनः प्राणिनः, कारुण्याकुतिकांश्च दृष्टिं प्रसन्नां कुरु, त्वत्पादत्रयदैवतस्य गदतः, शान्त्यष्टमं। शांति जिनेन्द्र शांति अभिलाषी, शांत मना प्राणी भारी, हुए आपकी चरण शरण से परम शांति के अधिकारी। शांति अष्टक पढ़ रहे भक्त की दृष्टि कृपा कर विमल करो,
तब पद ही आराध्य देव मम, मुझ में प्रभु आनंद भरो। जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, त्रिभुवन नामी जगनामी, घट घट के अंतरयामी। ओम रीम दृष्टि प्रसन्न कराय, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, शरण बुचरण युगलाय, मोहानकार विनाशनाय, केवल ज्ञान ज्योति प्रगटाय, दीपम निर्वपामीति स्वाहा। प्रीति दीदी ने पूरा कमल पे बनाया है, बहुत सुंदर। शांतिनाथ भगवान की जय। शांति जिनेन्द्र, शांति अभिलाषी, शांत मना प्राणी भारी, मतलब ये जो अंतिम काव्य है वह आंखों की रोशनी भी प्रदान करने वाला है, और जिसको सम्यक दृष्टि चाहिए उनको सम्यक दृष्टि भी प्रदान करते हैं। मतलब सांतिस्थिक सूत्र की विशेष महिमा आंखों के लिए बताई गई है। अभी अपन स्वयंभू स्तोत्र की जयमाला के रूप में पढ़ते हैं। सभी आरती कर सकते हैं इसमें। आप अपने 8 दीपों से वो छोटी सी जयमाला, विधाय रक्षाम परत प्रजानाम, राजा चिरम्यो प्रतिमा प्रताप, व्याधातुरस्तास्तवेव शांतिर, मुनिर दया मूर्तिरिवाग शांति, चक्रेण यः शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपः सर्व नरेन्द्र चक्रम, समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, राजसुभोग तंत्र, आर्यंत्य लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्रो, देवासुरोदय सबेर राज, यस्मिन् भुद्रा जनिराज चक्रम, मुनोदयादि धर्म चक्रम, पूजे मुहु प्राजलि देव चक्रम, ध्यानोन्मुखेन्द्वंसी कृतांत चक्रम, स्वदोष शांत्याभितात्म शांति, शांतिर्विधाता शरणं गतानां, भूयात् भव क्लेश भयोपशांते, शांतिर्जिनो मे भगवान शरण्यः। शांतिनाथ भगवान हमारी, शांतिनाथ भगवान। ओम शांतिनाथ जिनेन्द्राय, मंगल आरती कम अवतार यामी। शांति जी प्रभु आरती आशिका ले लीजिए, फिर अपन आपको कुछ भी जिसको शेयर करना है बात करें। दीपक की उजाले में सभी अपन 5 मिनट बैठेंगे। हीलिंग एक प्रकार से विद्या शक्तिपात समझ लो आज की हीलिंग में। सभी जय जिनेन्द्र, माता जी को भी वंदामी कर ले, आशीर्वाद ले ले, अपने बीच गुरु माँ है।
अनम्यूट कर सकते हो सर। वंदा में वंदा में माता जी, वंदा में माता माता जी, जी, वंदा में वंदा माता में जी, माता जी, वंदा में माता जी, वंदा में वंदा माता में जी, अपन माता दिख रहा जी, वंदा में वंदा माता जी, में वंदा माता जी, में वंदा में माता जी, वंदा में माता जी, जी, वंदा दीदी माता जी दिखी नहीं हमें तो, वंदनी माता जी। स्पॉटलाइट पढ़ लो। वंदनी माता जी सभी को जय। वंदनी माता जी, 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 वंदनी माता जी। चलो सबको आशीर्वाद दिया माता जी, वंदनी सबको आनंद आया भक्ति की तो। बहुत अच्छा लगा दीदी, थैंक यू। वंदा माता जी, वंदा मी। थैंक यू दीदी, सबको एक साथ इतनी एनर्जी देने के लिए, एक साथ अपने भक्ति की, दीपक से आराधना की। 8 दिन में एक आराधना होना दीदी, ऐसी कुछ तो छोटी छोटी। अगर आप लोग ऐसे ही उत्साह पूर्वक भाग लेंगे तो और नहीं कर लेंगे। नहीं नहीं लो सभी को बहुत सारा अनुमोदना कि आप सबने इतने अच्छे से, रुचि से, उत्साह पूर्वक भाग लिया। थैंक्स दीदी, थैंक्स दीदी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आया दीदी, थैंक यू दीदी, दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिन बाद ग्रुप में एक साथ भक्ति की। अच्छा लगा। चलो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे अपन, फिर फ्री हो हाँ जाएंगे। दीदी बिल्कुल, जी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। बस ओ मेडिटेशन लगा सकती तब। थैंक यू दीदी। 10 मिनट में मेहमान आने वाले हैं। चलिए दीदी, अच्छा हाँ, चलो, आप सबका आनंद उत्साह। देखो मेरे को देर हुआ, मैं नहीं देखो मुझे टाइम थोड़ा। चलो सबको अनम्यूट किया है, जितने भी लोग हैं छोटा सा एक मेडिटेशन करके कंप्लीट करेंगे अपने इस पूरे सेशन को। बहुत अच्छा लगा, आप सबने इतने उत्साह और इतना रुचि से भाग लिया। अभी भक्तामर का विधान नेक्स्ट है अपकमिंग में, वो सुबह की पूजा। विधान तो मांडला के साथ ही होता है जैसे हमेशा के, जैसे आपको पता है। तो अपन रंगोली से या चावल से या धान्य से, जैसे भी अनुकूलता हो वैसे ही एक छोटा सा मांडला करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे अपने शांतिष्टक स्तोत्र से दीप आराधना की, वैसे ही 48 दीपों से भी कर सकते हैं। बस बस वो 48 दीपक के लिए थोड़ा अच्छा सा टाइम चाहिए अपने पास, और व्यवस्था चाहिए और पेशेंस चाहिए। तो अगर आप लोग उत्साहित हो तो नए साल में ये भी करेंगे। मुझे आज किसी दीदी ने बोला था कि दीदी जो पहले वास्तु विधान का आयोजन किया था वो भी कराओ। मैंने उनको बताया कि वो तो है ही वास्तु विधान तो अपने स्थान पर अपन जो भी ऐसे विधान करते सामूहिक, साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो उसके मंत्रों से या शुद्ध घी के दीपक से पूरी ऊर्जा जो है आपके घर की, रूम की, पूरी हमेशा ऑल चेंज हो जाती है। अगर ऑरा मीटर का अगर आपके पास रोड है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या आप फीलिंग से ही समझ सकते हो, इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप जो फील करते हो वही निशानी है कि हाँ आप विशुद्धि फील कर रहे हो, खुशनुमा फील कर रहे हो। तो चलो आइए अभी अपन छोटे से ध्यान की ओर बढ़ते हैं, फिर आप लास्ट में आप सबको कुछ बोलना है तो हैंड रेस कर लें।
ज्ञान मुद्रा बना ले, आंखें बंद, चेहरा सीधा, मन शांत, डीप ब्रीथ। बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं कनेक्टेड है, आइए उन ऊर्जा को अपने शरीर में आज भरते हैं, अपने शुभ उद्देश्य के लिए उस ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, इनहेल एंड एक्सहेल, हराती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। हर जाती हुई सांस एक हल्कापन दे रही है। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और थर्ड आई को देखेंगे बिना पलक झपकाए। धीरे धीरे आपकी आईलिड्स और आंखें भारी होके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये अल्फा स्टेज में जाने के लिए मैं ये स्टेप करा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे आपकी आंखें बहुत भारी हो रही है, एक टक बिना पलक झपकाए देखने से कहीं पर भी देख सकते हो, सामने कोई बिंदु को भी देख सकते हो, थर्ड आई को देखने से विशेष लाभ है। 4 and 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे से आंखें को बंद कर दो। मैं 5 मिनट हर 5 डेज देखता था आपकी आंखें।